आपका स्वागत है मेरे चैनल सिर्फ कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। और आज मैं लेके आई हूँ आपको सत्तू से एक बनने वाला ऐसा नाश्ता जिसे आप सफर में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है और खाने में बहुत ही चटपटा होता है और बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो ये है सत्तू से बनने वाला नाश्ता जिसे नॉर्थ में हम लिट्टी कहते हैं। और इसकी विशेष बात ये होती है कि आप इसके साथ अगर कुछ नहीं भी बनाएंगे तब भी अच्छा लगता है, चटपटा। वैसे नॉर्थ में तो हम इसे चोखा के साथ खाते हैं, चटनी के साथ, लेकिन अगर आप सफर में ले जाते हैं तो ये इस तरह से भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सत्तू की फिलिंग की वजह से चटपटा स्वाद आएगा। अभी मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से कुरकुरा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है जिससे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आलू के चोखे के साथ ये और अच्छा लगता है। तो लिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और यहाँ लहसुन अदरक को मैंने कूट कर लिया, आप इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये अजवाइन मंगदाल, नमक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और लेमन जूस। और ये है रिफाइंड ऑयल जिसे मैंने डीप फ्राई करने के लिए लिया है। और यहाँ पे 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया, और यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर मैंने सरसों का तेल लिया है, और यहाँ पर 1 कटोरी मैंने चने का सत्तू लिया है। यह आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो हम इसमें पहले 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और हमें इसका आटा पूड़ी की तरह गूंथना है। थोड़ा कड़क आटा गूंथना है हमें। ऑयल डाल देने से बहुत ही मुलायम आटा गूंथ के आप तैयार करेंगे और उसकी लिट्टी जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक कड़क आटा गूंथ करके रेडी कर लेंगे। और अब मैंने आटा गूंथ करके रेडी कर लिया है। पूड़ी के आटे की तरह मैंने थोड़ा सा इसे टाइट गूंथा है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट ढक के रख देने से आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो जब तक आटा सेट हो रहा है हम सत्तू बना करके रेडी कर लेंगे। तो सत्तू में हम डालेंगे कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन और मैंगरेल जिसे कलौंजी भी कहते हैं, नमक, हरी मिर्च कटी हुई, धनिया पत्ता और लेमन जूस। और यहाँ पर जो मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है उसे भी डाल देंगे। इससे सत्तू में बहुत ही अच्छा स्वाद। सारी चीजें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चम्मच या हाथ की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा सत्तू जिसे हम फिल करने वाले हैं ये एकदम से बन करके रेडी हो गया, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही चटपटा है। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बना करके रेडी कर लेंगे और थोड़ा सा हाथ में डस्ट ले लेंगे। अगर नहीं बन पा रहा है तो चिपक रहा है तो हम आटे का डस्ट लेकर इसे अच्छी तरह से बना। और अभी मैंने लोई बना ली है। अब हम इसे अंगूठे की सहायता से अंदर दबाएंगे। जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाने के लिए जगह करते हैं बीच में, ठीक उसी तरह हम भी इसे अंगूठे की सहायता से दबाते हुए बीच में भरने के लिए जगह बनाएंगे। धीरे धीरे हाथ से करेंगे हम, और देखिए ये बन गया। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे जो मैंने फिलिंग बना के रखी है सत्तू का। जितना भर पाए हम आसानी से हम उतना ही डालेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से पैक कर देंगे जिससे कि हमारा जो सत्तू है वो कढ़ाई में जाके फटे नहीं। तो इसको हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसे हाथ से दबा लेंगे इस तरह। और ठीक इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे। हमें सत्तू को अंदर अच्छी तरह से दबाते हुए इसे पैक करना है। ताकि ये कढ़ाई में जाके खुल ना जाए। और यहाँ पर मैंने सारा बना करके रेडी कर लिया है। सब में मैंने सत्तू की फिलिंग कर दी है। इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छी तरह से गरम होने देंगे।
तो अभी जो ये ऑयल है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम लो फ्लेम कर देंगे, मीडियम कर देंगे आंच को, और एक एक करके हम सावधानी से तेल में डाल देंगे। जितना हमारी कढ़ाई में आ पाएगा हम उतना ही डालेंगे, ध्यान से डालेंगे, नहीं तो तेल के छींटे हाथ में लग सकते हैं। तो एक एक करके हम सारा डाल देंगे और अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे। हाई फ्लेम करने पर ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, इसलिए आंच हमेशा मीडियम रखेंगे। और अभी हम एक तरफ से अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो। अभी हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हमें इसे कुछ देर तक और पकाना है जिससे चारों तरफ अच्छी तरह से पक जाए। और अभी हम इसे पलट देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ से अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया है इस तरह से, तो अब हम दूसरी तरह से इसे पलट देंगे और टर्न करके दूसरी तरफ भी पकने देंगे। अभी ये दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं उसे भी हम ठीक इसी तरह से बना लेंगे। और अभी दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए लिट्टी को भी हम ठीक इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। और अभी मैंने सारे लिट्टी बना करके रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। सफर के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसके साथ कुछ नहीं भी ले जाते हैं तो ये अंदर सत्तू की जो फीलिंग है इससे आपको चटपटा स्वाद मिलेगा। तो अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।